तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ICICI रूबी एक्स क्रेडिट कार्ड के बारे में, और हम आज के इस वीडियो में जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट मिल जाते हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस हैं, और इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले फीचर्स एंड बेनिफिट की। तो उसमें सबसे पहले आता है कि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको क्या वेलकम ऑफर मिल जाता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद में जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी को पे कर देते हैं, उसके 45 दिन के अंदर आपको यहाँ पे 5000 से ज्यादा के ई वाउचर मिल जाते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। वो वाउचर कुछ इस प्रकार होने वाले हैं कि यहाँ पे आपको 2000 के वाउचर मिलेंगे टाटा क्लिक के, और 2000 के वाउचर आपको यहाँ मिलने वाले हैं ईज माई ट्रिप के, जिसमें आपको हजार रुपए के दो वाउचर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्रोमा के भी यहाँ पे 2000 के वाउचर मिलेंगे, जिनमें कि आपको हजार रुपए के दो वाउचर दिए जाएंगे। साथ साथ आपको ऊबर के लिए 250 रुपए के ई वाउचर यहाँ पे दिए जाएंगे। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन वेबसाइट से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए। इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जब भी आप बुक माई शो से कोई मूवी के टिकट बुक करते हैं, दो मूवी के टिकट बुक करते हैं, तो आपको यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल जाता है इंस्टेंटली, और ऐसा आप एक महीने में दो बार कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से इनॉक्स से टिकट बुक कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाता है जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से दो मूवी के टिकट बुक करते हैं, और ऐसा आप एक महीने में दो बारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी बीते महीने में इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 50,000 रुपए खर्च कर देते, तो ऐसे में आपको एक गोल्फ कोर्स का राउंड मिलता है या फिर कोई लेसन वहां पर आप सीख सकते हैं। तो आप एक कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ कोर्स की विजिट यहां पर कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस मंथ में 50,000 रुपए खर्च किए। इसके साथ साथ आपको इस क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिल जाते हैं, और साथ साथ रेलवे लॉन्ज एक्सेस भी इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पर इंडिया के अंदर 100 रुपए खर्च करते हैं, तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर इंटरनेशनली आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी 100 रुपए खर्च करते हैं, तो ऐसे में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट यहां पर मिल जाते हैं। और साथ साथ अगर आप इंश्योरेंस और यूटिलिटी के बिल भी पे करते हैं, तो ऐसे में भी आपको 100 रुपए खर्च करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, और आप एक साल में मैक्सिमम 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट यहां पे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको कुछ इंश्योरेंस कवर भी मिलते हैं, जैसे कि आपको एयर एक्सीडेंट कवर मिलता है यहां पे 1 करोड़ रुपए का। अगर आप किसी हवाई यात्रा के दौरान आपका किसी एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में आपको 1 करोड़ रुपए तक का कवर मिल जाएगा। और साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लॉस्ट लायबिलिटी कवर मिलता है 50,000 रुपए का। अगर आपका कार्ड खो गया है, उसका मिसयूज हुआ है, उस दौरान आपको 50,000 तक यहाँ पे कवर मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको प्लेन हाईजैक कवर भी मिलता है 75,000 रुपए का, और फ्लाइट डिले होने की कंडीशन में आपको यहाँ पे 70,500 रुपए का कवर मिल जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले फ्यूल सरचार्ज की। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज बीवर मिल जाता है जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेज करते हैं। ये तो थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस की। जैसे कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फी के दौरान 6,000 रुपए के करीब वाउचर मिल जाते हैं, तो ऐसे में इसकी ज्वाइनिंग फी भी हाई होनी चाहिए। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो है 3,000 रुपए प्लस GST। जैसे ही आप उसको पे करते हैं, तो आपको अलग अलग वाउचर जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे मिल जाते हैं। एनुअल फी की बात करें, तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी है वो 2,000 रुपए प्लस GST है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पर एक साल के अंदर 3,00,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपकी जो एनुअल फी है वो माफ हो जाती है। इंटरेस्ट रेट इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 3.4% पर मंथ के पड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश निकालते हैं ATM पर जाकर, तो आपको यहाँ पर कितने चार्ज पड़ते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 2.5% या 3.5% में जो भी आपका सबसे ज्यादा होगा वो चार्ज आपको लगने वाले, यानी कि आपको 350 रुपये तो यहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको 2.5% के हिसाब से यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा, और जो अमाउंट आप निकालेंगे उस पर पहले दिन से ही 3.4% का इंटरेस्ट आपको लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे में आपको फिर से 2.5% के चार्ज लगेंगे, और मिनिमम आपको यहाँ पे 500 रुपए लगने ही लगने। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स को रिडीम करने के लिए भी आपको यहाँ पे 99 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आप इसके रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं, तो आपको 99 रुपीज प्लस GST देना पड़ेगा। कार्ड आपका खो जाता है, तो कार्ड रिप्लेसमेंट फी इस क्रेडिट कार्ड की 100 रुपए है। सबसे बढ़िया बात इस क्रेडिट कार्ड की यह है कि इस क्रेडिट कार्ड पर जो आपको लेट पेमेंट चार्जेस पड़ते हैं वो बाकी क्रेडिट कार्ड की तुलना में काफी कम है। यानी कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 100 रुपए से कम है, तो आपको यहाँ पे कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। अगर 100 रुपए से लेके
₹700 के बीच में है तो आपको यहाँ पे ₹100 का लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। 501 से लेकर 10,000 के बीच में है तो आपको यहाँ पे ₹500 का लेट पेमेंट चार्ज लगेगा और ₹10,000 से ऊपर की जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगी उसके ऊपर आपको ₹750 का चार्ज लगेगा और जितने भी चार्जेस और इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उन सबके ऊपर आपको 18% GST भी इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला है। तो इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्ज कुछ इस तरह से थे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो ₹50,000 पर मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 5.5 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 21 साल से बड़ी होनी चाहिए तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।